इसमें और पैटर्न मिल जाएंगे इसमें? हाँ, इसमें और कोई पैटर्न मिल जाएंगे? एक ही है। हाँ, ये वाला पैटर्न सही लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये क्या प्राइस पड़ रहा है? ये पड़ेगा भैया 2150 का। अच्छा, 2150 का। तो जहाँ पे भी ऐसी मशीन हो ना, वहीं पे ये ऐसा काम करवाना चाहिए टायर का, नहीं तो है ना, लोग है ना जबरदस्ती अलॉय पे चढ़ाते हैं तो स्क्रैच स्क्रैच बहुत आती है। अच्छा, टूल के लिए है। तो गाइस, मेरे को एक टूल के लिए बैग मिल गया यहाँ से, और ये रही दुकान, अपोलो के ही है ये ऑथराइज डीलर, टायर हट करके है इनका शॉप जहाँ से मैं काम करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी का। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर, 90x90 का सेक्शन का टायर है पल्सर का, तो क्या प्राइस का पड़ेगा आपके पास? साइज 90x90 17 90x90 17। हाँ, फ्रंट है। हाँ, फ्रंट टायर आगे का ना। हाँ हाँ, अपोलो हाँ हाँ, यही मैं देख रहा हूँ। इसमें और पैटर्न मिल जाएंगे? इसमें? हाँ, इसमें और कोई पैटर्न मिल जाएंगे? एक ही है। हाँ, ये वाला पैटर्न सही लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये क्या प्राइस पड़ रहा है? ये पड़ेगा भैया 2150 का। अच्छा, 2150 का। हाँ। इसमें 3 साल की वारंटी और 6 साल क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग वारंटी? 3 ईयर है अनकंडीशनल वारंटी। अच्छा, फटने की 50% किसने से पहले अगर अच्छा फट जाता है ना। जी वारंटी में रिप्लेस होगा। अच्छा, और इसका अगर इसी का सेट का हम रियर भी डलवाते हैं तो दोनों का कितना पड़ जाएगा? रियर क्या साइज लगा हुआ? रियर है 120। मैं 130 डलवाऊंगा सेक्शन पीछे का, थोड़ा बढ़ा के लगाऊंगा। वो भी मिल जाएगा नया स्टॉक में। वो इसी इस पैटर्न में होता है या सेम ऐसा वाला आएगा क्या? दिखा देता हूँ। या तो ये, हाँ ये इसके साथ तो ये वाला शायद थोड़ा सही जचेगा। दोनों मिल जाएंगे। तो गाइस, आपको दिखा दो लाइट में कैसे टायर है, क्या अंधेरा हो रहा है ना, गोप्रो जस्टिस ना कर रहा हो, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। एक ये है, भैया ने एक ये वाला बताया है, और एक मैं इसी पैटर्न में डलवाऊंगा अगर डलवाऊंगा तो पीछे का। अभी तो पीछे का चल जाएगा, इसीलिए फ्रंट का टायर ही चेंज करवाएंगे। अच्छा, ये वाला है, ये है रियर का, ये पड़ेगा 1। इसका साइज़ है 10। इसका पन्नी, इसका साइज़ नहीं दिख रहा, ये है 170 है क्या है ये? ये तो कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो जाएगा लग रहा है। नहीं, लग जाएगा। लग जाएगा ये अच्छा, 130 है, 130 77 वो है। आप ऐसा करिए, मेरे गाड़ी में अगला लगवा देना, अगला लगवा लेता हूँ, मुझे वो वाला सही लग रहा है। अब मैं चेंज करवा ही लेता हूँ, 2100 समथिंग का कुछ का वो पड़ रहा है, 2200 का वो टायर आएगा, इतने में ही आएगा। अब हमारे वालों को बोलूँगा कि चलो कोई नहीं, अब अपोलो डलवा के देखते हैं इस बार, तो अपोलो की ही वो करवा लेता हूँ। और बहुत ट्रैफिक हो रहा है, थोड़ा रुक के जब काम होगा तब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी में कि कैसा लग रहा है और कैसा डलने के बाद कैसा फील आ रहा है। अभी देख लो, अभी टायर कितने घिस चुके हैं, गंजे हो चुके हैं, तो ये तो बहुत गर्म हो रहा है अभी टायर, अभी चला के आ रहा हूँ ना। तो गाइस, अपनी गाड़ी का टायर चेंज हो रहा है फाइनली। अब मैंने जो डलवा रहा हूँ वो रेडियल टायर है अपोलो का, 90x90 17। तो भैया खोल रहे हैं अभी टायर, जब टायर खोल के चलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे दोनों सेट अगर इसी के डलवाता हूँ रेडियल टायर के, तो वो मेरे को पड़ रहे हैं कम से कम 5300 का। भैया ने एक ऑफ़र दिया है मेरे को कि आपको 300 रुपये लेस कर देंगे टायरों में, तो मैंने अभी, मेरा बजट नहीं है इसलिए नहीं डलवा रहा। अगर आप आओगे तो डलवा सकते हो, छतरपुर का मेट्रो स्टेशन है सामने, और ये रही दुकान, अपोलो के ही है ये ऑथराइज डीलर, टायर हट करके है इनका शॉप जहाँ से मैं काम करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी का। और
अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवा दे रहा हूँ फाइनली, क्योंकि ना मेरे को दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में बहुत, और वो भैया भी आज भी दो दिन टालेंगे मुझे लग रहा है, तो अब मेरे को डलवा लेना चाहिए, तो मैं इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि डेली रनिंग में ना दिक्कत हो रही थी। स्क्रू निकाल दिया फ्रंट का, अब निकल जाएगी गाड़ी का टायर, थोड़ा दबा लेता हूँ। अपना फ्रंट टायर निकल चुका है, भैया ने एक्सल फंसा दिया, एक्सल निकाल के फंसा रहे हैं, क्लिप सारी फंसेंगी तब जाके इसमें से टायर अच्छे से निकल पाएगा, तो भैया अभी क्लिप सेट कर रहे हैं कि रिम के साथ में अलॉय को ग्रिप करके फिर बाद में निकाला जाएगा मशीन के थ्रू, तो इसके थ्रू निकलेगा। तो गाइस ये आ गया अपना न्यू टायर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो इसी डेट की थी ना, मैं बोला कि MRF का तो मैं डलवाते ही रहता हूँ, तो इस बार थोड़ा यूनिक डलवाता हूँ, तो इस वजह से मैं इस बार अपोलो सोच रहा हूँ कि अपोलो ही डलवाऊँ, अपोलो भी एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो गाइस इसका मैं टायर साइज़ आपको दिखा देता हूँ, 90x90x17 वही डलवा रहा हूँ जो स्टॉक में है, ठीक है। तो गाइस अपना न्यू टायर अब इंस्टॉल हो रहा है अपने अलॉय में बाइक के, तो भैया सही से शैम्पू वैम्पू लगा के नहला के उसको चलाएँगे। काफ़ी कुछ इस मशीन में सेट करना पड़ता है तब जाके टायर चढ़ता है, तो जहाँ पे भी ऐसी मशीन हो ना वहीं पे ही ऐसा काम करवाना चाहिए टायर का, नहीं तो है ना लोग है ना जबरदस्ती अलॉय पे चढ़ाते हैं तो स्क्रैच स्क्रैच बहुत आते ही है। अब देखो भैया चला देंगे ये मशीन में पैर रख के, कर लिया देखने में से बड़ा पतला सा लग रहा है, मगर जब एयर डलेगी तब जाके। One, two,
पटाखा पटाखा बजा। अब लग रहा है थोड़ा फोन के मतलब पटना हो गया अच्छा चलता है। हाँ ये वाला अच्छा चलता था अपोलो का। मैं MRF का डलवाता हूँ हर बार। हाँ अच्छा सही चलते वारंटी भी सही दे रहे हैं अपोलो की। सही है निकल नहीं रहा अभी। नल की चेंज नहीं करवा रहे इसको। नल की के ना अलग से भैया कह रहे थे कि 250 रुपये लगेंगे क्योंकि टायर के साथ नल की नहीं आती है, अलग से नल की आपको खरीदनी पड़ेगी। तो चाइनीज़ वाली नहीं डलवा के ओरिजिनल डलवाना। तो मैंने बोला थोड़ा रुक के डलवा लेंगे, जब ये क्रैक हो जाएगी या फिर इस नलकी में कोई दिक्कत आएगा तब चेंज करवाएंगे। तो अब ये स्टिकर हटा दिया। हाँ अच्छा अच्छा ये किस चीज़ का बैग है? अच्छा टूल के लिए है। तो गाइस मेरे को एक टूल के लिए बैग मिल गया यहाँ से। तो अब गाड़ी का टूल वूल रखना हो कैरी करना हो तो वो कर सकते हैं। टायर तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे को है ना मेन चीज़ क्या थी, थ्रेडिंग है ना, मेरे को दूसरी चाहिए थी। इस थ्रेडिंग से मैं बोर हो चुका हूँ। ये नॉर्मल जो भी टायर है हमारे क्या आते हैं सिंपल ऐसे ही आते हैं स्टॉक टायर में। अब ये थोड़ा स्पोर्टी भी लग रहा है और कीचड़ काचड़ के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है टायर, फिर स्लिप नहीं होगी गाड़ी। तो गाइस गाड़ी अगर गंदी आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है टायर तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश का मौसम है और देखो छतरपुर में कितना ट्रैफिक और लग रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये टायर मुझे पड़ा है 2150 रुपये का विद इंस्टॉलेशन। और इसमें नलकी चेंज नहीं करी है क्योंकि नलकी अच्छी थी वही वाली, और मैं क्यों चेंज करवाऊँ 250 रुपये बिना फालतू में। तो मैंने बोला चलो जब ये ख़राब होगी तभी चेंज करवाएंगे, जब 250 तब भी देने हैं तो सही नलकी निकलवा के दूसरी नई नलकी डलवाना कोई बेनिफिट नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने चेंज नहीं करवाया। बाकी आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आप टायर ज़्यादा घिसे हुए मत चलाओ बारिश में, ऑफ रोडिंग के टाइम में कीचड़ काचड़ होती है तो स्लिप हो सकती है गाड़ी। अब मेरे को कम से कम कॉन्फिडेंस तो आएगा गाड़ी चलाने में। पिछला टायर मैंने अभी चेंज नहीं करवाया, नहीं तो चेंज करवा देता पिछला भी, मगर भैया कह रहे हैं कि अभी आप चलाना चाहो तो चला सकते हो गंजे भी, मगर वही है स्लिप ना हो तो उस हिसाब से आप करवा लेना इसको सही टाइम पर। तो अब मैं सोचा अभी गाड़ी की सर्विस भी आने वाली है तो थोड़ा रुक के करवाऊँगा, गाड़ी की सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी भैया से बात हुई है, भैया कह रहे हैं कि आपको मैं थोड़ा और डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, आप है ना डलवा लो पीछे का भी क्योंकि दोनों टायर डल जाएंगे तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी बाइक को भी। तो मेरे को कह रहे हैं कि आप दोनों सेट डलवा लो, आपको अच्छा डिस्काउंट दे दे रहा हूँ। तो आप भी आओगे तो दोनों सेट डलवाओगे तो डिस्काउंट दे देंगे भैया। एक टायर पर डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, वो सेम वही प्राइस पड़ेगा। तो आप है ना दोनों सेट डलवा लो वो सही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो ऐसा करेंगे यार। ये पुराना टायर है ना मेरे को कैसे लेके जाऊंगा मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। पुराना टायर भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। अभी इस टायर में अच्छी खासी ग्रिप है, अगर बाय चांस वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, क्या करूं सोच रहा हूं यही कि टायर लूँ कि नहीं लूँ, ले जाऊँ कि क्या करूँ। टायर में ग्रिप तो अच्छी खासी है। अब भैया 5100 में बोल रहे हैं, कह रहे दोनों टायर डल जाएंगे आपके बहुत, आप डलवा देना। तो ऐसा करूँगा कि इस टायर को यहाँ पे भैया के पास ही रखवा दूँगा और फिर कभी आके अचानक से यहाँ से निकलते बढ़ते मैं ले जाऊँगा इस टायर को। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me bitch. Tire, aap aisa karna na, ye wala rakh lena apne paas, main nikalunga yahan se, Gurgaon ja raha hu.
यहाँ से मैं आऊँगा ना वापस, फिर ले जाऊँगा। हाँ हाँ Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never... नॉर्मल वाला ही डाल दो यार, इतना महंगा मत डाल दो। बड़े बजट पड़ा के तो दो टायर एक साथ डलवा रहा हूँ। 200 ले लो, ओरिजिनल डाल सको तो ओरिजिनल डाल दो, 200 ले लो ओरिजिनल डाल देना। क्या चलो 50 रुपये तो थोड़ा मैं बढ़ा सकता हूँ। पता पड़ा हाथ खींच के दूसरा टायर भी डलवा रहा हूँ। मुझे मालूम है ना अगले महीने EMI कट रही है 16,000 रुपये। हाँ नहीं मैं वो तो है, देखो जब करवा रहे हो तो अच्छा ही करवाओगा। हम 130 डलेगा, तो 130 सेक्शन का पीछे का रियर टायर डलेगा। अब आपको मज़ा आएगा देखने में गाड़ी का लुक। But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Anybody, what I love about that. तो गैस हल्ला बहुत हो रहा था, उसके लिए सॉरी। पीछे मशीन चल रही थी एयर वाली, तो वो बंद करवा दिए मैंने। अब आपको दिक्कत नहीं होगी वीडियो देखने में। बाकी अब अपना टायर इंस्टॉल हो रहा है। उस वाले टायर से तो बड़ा वो लग रहा है कि इसके इतना काफ़ी चौड़ा सा लगता था, अब ये थोड़ा नैरो में हो गया है, जबकि 130 सेक्शन का टायर है ये। हेलो ऐसे बाहर की तरफ आ गई। तो गाइस ये टायर है अपना जो डल चुका है 130 सेक्शन का। आपको दिखा दूँ 130, 70, 17 ये रियर का डला है मेरा टायर, और इसके आगे वाला जो डला है वो मैं आपको दिखा दूँ, वो डला है अपोलो का, सेक्शन है 90x90 17। तो ये डल चुका है आगे। तो चलो भैया को पेमेंट करते हैं और निकलते हैं फिर अपने ऑर्डर पे। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं। अच्छा लगा आपके काम करवा के। ठीक है मैं शाम तक आऊँगा, टायर उठा लूँगा। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है ख़राब सा। तो गाइस टायर डल चुके हैं, अब देखते हैं बाइक चलाने में कैसा मज़ा आ रहा है वो आपको बताऊँगा इस टायर के रिव्यू में। कई लोग तो क्या करते हैं टायर डलवाने के बाद में बस व्लॉग एंड कर देते हैं, मगर आपके लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.